बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साहब शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में आज बहुत बड़ी खबर आने वाली है और उस खबर का इंतज़ार न सिर्फ पाकिस्तानियों को है बल्कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को और दुनिया भर की नज़रें भी उस खबर पर लगी हुई हैं। आज मुसलसल तीन अदालतों में इमरान खान साहब के मुस्तकबिल का फैसला होना है। एक है ट्रायल कोर्ट हुमायूं दिलावर साहब की अदालत और दूसरा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट और तीसरा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तीनों अदालतों में इमरान खान साहब का केस है, एक जगह पे उनका ट्रायल हो रहा है ट्रायल कोर्ट में और दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज उनकी पांच दरख्वास्तों पे फैसला सुनाना है चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब। और दूसरी जानिब एक पेंडिंग है इसी मसले से मुतालिक, अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इंसाफ नहीं मिलता इमरान खान साहब को तो मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और वहां पे पेंडिंग है। चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल साहब ने यह केस रेफर किया हुआ है जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को, जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी साहब को और जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहबा को। लेकिन आज क्या फैसला आना है क्योंकि तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं कि इमरान खान साहब को हर सूरत में इस केस में सजा होनी है। ये तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं क्योंकि ट्रायल कोर्ट के जज अपना माइंड दे चुके हैं और वो दो दिन पहले ही बता चुके हैं कि मैंने क्या करना है। उन पर बहुत सारे एतराज़ात भी उठ रहे हैं लेकिन इमरान खान साहब ने रात गए एक अहम खिताब भी किया और अपने कारकुनान से भी मुखातिब हुए, पाकिस्तानियों से मुखातिब हुए, पाकिस्तान के मीडिया से मुखातिब हुए और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से भी मुखातिब हुए और पाकिस्तान की अदलिया से भी मुखातिब हुए और उन्होंने एक पूरे का पूरा लाहे अमल भी दिया, इस पे इजहार ख्याल भी किया। और अगर इमरान खान साहब को डिसक्वालीफाई किया जाता है, ना अहल करार दिया जाता है या उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है तो इमरान खान साहब ने क्या कहा, ज़रा उन्हीं की ज़ुबानी सुनिए। ये मुफसल उन्होंने गुफ्तगू की है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जाहिर है आप कौमी ज़राए ब्लॉग पे इस गुफ्तगू को नहीं सुन सकते, इमरान खान साहब पे पाबंदी है, कोई टीवी चैनल इमरान खान साहब को दिखा नहीं सकता, सुना नहीं सकता, उनका नाम लेने पे पाबंदी है। लिहाजा हम आपको ये उनकी गुफ्तगू सुनवा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़रा गौर से सुनिएगा कि इमरान खान साहब ने रात गए क्या खिताब किया और क्या पैगाम दिया। इस्लामाबाद में अदालत में मेरा तोशाखाना केस चल रहा है, हुमायूं दिलावर साहब प्रेसाइड कर रहे हैं उसमें और हमने कोशिश बड़ी की है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और हम बड़ी देर से कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारा केस ट्रांसफर करें हुमायूं दिलावर से, क्योंकि ये हक होता है एक जो हर शख्स का, इसका हमें आइन हमारा कानून हक देता है कि अगर हमें एक इतमाद एक जज पे नहीं होता तो हमारा हक होता है कि हम अप्लाई करें कि हमारा केस ट्रांसफर कर दें। और ये हमने तब से किया था, ये मैंने कल भी बात की, मैं फिर भी आपको बता दूं कि जब मुझे गैर आईनी और कानूनी तौर पर उठाया गया। Expedia members save on travel. इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और मुझे पुलिस लाइंस में रखा गया तो उधर एकदम पता चला कि हुमायूं दिलावर साहब ने अदालत निकाली और मुझे तलब कर लिया तोशाखाना केस में, ना मेरा वकील ना मुझे पता किसी चीज का और उस केस में फिर फर्दे जुर्म लगा दिया। कानून तो यह कि मुझे बता के लगाना चाहिए था, बताए बगैर लगा दिया तो हमें तब समझ आ गई कि ये हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। तो उसके अगले दिन हमने तब से अप्लाई किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर का। अब मैं बात कर रहा हूं 12 मई को, ये तकरीबन अब समझ लें कि 3 महीने गुजरने लगे, तब से अप्लाई किया हुआ है और कोशिश करते गए कि हमारा केस इस अदालत से निकाला जाए। उसके बाद बहरहाल जो मैंने आपको बताया कि केस हुआ, मैंने 35 सवाल दिए गए, मुहर्रम की 3 छुट्टियां थी, बड़ी मुश्किलों से हमने वो अकाउंटेंट ढूंढा। असल में ये सारे सवाल टैक्स के बनते हैं, ये जो इस अदालत में सवाल है ये हैं सारे टैक्स के, क्योंकि काजी आपने ये डिक्लेयर नहीं किया, आपने ये भेजा ये डिक्लेयर नहीं किया, तो मैंने वो सारे 35 के 35 सवालों का जवाब दिया और हर एक का जवाब मैं खड़े होकर अदालत में एक एक का जवाब दिया। तो वो जो एक जगह और इन्होंने सरकारी 2 गवाह पेश किए, अब सरकारी गवाह क्या उन्होंने गवाही देनी थी, तो हमने कहा क्योंकि वो जो जवाब है उसके लिए मेरे अकाउंटेंट की जरूरत है, क्योंकि 40 साल से मेरे अकाउंटेंट वही फॉर्म है, मेरे पास जो पैसे आते हैं जो मेरे खर्चे होते हैं वो उनको बता देता हूँ, वो फिर टैक्स फॉर्म भर देते हैं, वही इलेक्शन कमीशन की फॉर्म्स भरते हैं, वही वेल्थ टैक्स जो होता है वो भरते हैं, तो उनके पास सारा रिकॉर्ड होता है। तो अब मैं तो नहीं जवाब दे सकता कई चीजों के, तो मैंने गवाह के अंदर अपने अकाउंटेंट को कहा कि वो बैठे और वो जो खास तौर पर एक जगह पर बात फंसी हुई है कि जी पैसे तो आप शो कर रहे हैं लेकिन पैसे के ऊपर आपने ये नहीं लिखा कि तोशाखाना का पैसा था, अमाउंट पूरा है लेकिन तोशाखाना वो नहीं लिखा, तो ये अकाउंटेंट ने बताना था कि वो फॉर्म उसने जैसे भी भरी, क्योंकि फॉर्म तो वो भरता है। बहरहाल 1 घंटे का टाइम दिया गया और कहा कि 1 घंटे में आप ये नहीं पहुंचेगा तो चलो, अब अकाउंटेंट 1 घंटे में कैसे पहुंच सकता है, ये कोई मिलिट्री ट्रायल तो नहीं हो रहा, उसको विटनेस खत्म कर दिया और भी हमने बुलाए हुए थे विटनेसेस जिन्होंने गवाही देनी थी इन चीजों को, जो मेरा हक है। अब एक फेयर ट्रायल होता है कि आपको मौका मिले कि मुझे आप मुझे अक्यूज करें, मुझे मौका तो दे कि मैं आपकी सफाई पेश कर सकूं,
नहीं मौका दिया गया और बड़ी जल्दी जल्दी सब कुछ तेजी से किया जा रहा है। छुट्टियों में कभी ट्रायल ही होता है, आजकल अदालतों की छुट्टी है, छुट्टियों के अंदर डे टू डे ट्रायल हो रहा है, जल्दी पड़ी हुई है कि किसी तरह ये बस जल्दी से खत्म हो जाए, मौका भी नहीं दे रहा। एक दिन क्या हो जाएगा कि एक दिन डिले हो गया, दो दिन डिले हो गया, कौन सी क्या गई, हम तो मुतमिन हो जाए कि हमने अपना केस पूरी तरह लड़ा है, लेकिन छुट्टियों के अंदर भी जल्दी पड़ी हुई है कि किसी तरह फैसला आए। हालांकि हम सुप्रीम कोर्ट में भी हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुझे कहना पड़ता है कि मैं काफी मायूस हूं कि वो ना फैसला करते हैं, वो खींचते भी जाते हैं, वो पूरा मौका दे रहे हैं कि जब फैसला आ जाए, यानी अगर हमने ट्रांसफर का इतनी देर अप्लाई किया हुआ तो कम से कम फैसला तो करें, तो करते भी नहीं। बहर वहां भी उनको भी मैंने कहा, बड़ी देर का कहा हुआ है कि हमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुझे कोई इत्माद नहीं। जब मुझे उठाया गया वहां से, आप सोचे कि मुझे गैर कानूनी और आईनी तौर पर उठाया गया उनकी अदालत से और उन्होंने उसको लीगलाइज कर दिया, यानी असल में तो उनको इलीगल करना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट को तो जाने की नौबत नहीं होनी चाहिए थी। उनकी अदालत में बैठा हूँ, शीशे तोड़ के डंडे मार के वकीलों को मार के, वो बेचारा रजिस्ट्री स्टाफ उनको डंडे मार के, और मुझे घसीट के ले गए वहां से की अदालत से, और चीफ जस्टिस ने कुछ भी नहीं किया बल्कि उसको जायज करार दे दिया गया। उसके बाद जो उसे पेरिटोरियम केस था, तीन मेंबर बेंच बैठा, दो जजेस ने वाजे तौर पर कह दिया कि मेंटेनेबल के केस, चीफ जस्टिस साहब फैसला नहीं कर रहे, वो भी लटकाया हुआ वहां। और हमें आजम स्वाति को बहुत एतराज आते, उन्होंने लेटर लिखा कि मुझे एतमाद नहीं आपके ऊपर, तो ना वो अपना अपने आप को रिक्यूज करते हैं ना इधर नीचे से रिक्यूज कर रहे हैं। और फिर हमें बड़ा एक सीरियस चीज है, जो फेसबुक पे देखिए, फेसबुक 90 दिन तक फेसबुक का रिकॉर्ड उनके पास पड़ा होता है। अगर FIA या जज साहब एक सिर्फ आपको ईमेल करनी है फेसबुक को कि ये केस हो रहा है, आप मेहरबानी करके बता दें कि 90 दिन तक इनकी जो भी फेसबुक पे पोस्ट थी वो कौन सी थी, क्योंकि 90 दिन तक जो लोगों ने देखा है और पोस्ट भी किया है कि उसके जो हुमायूं दिलावर की पोस्ट थी उस पर उन्होंने जो मेरे जो जो उनका मेरे मुतालिक पोस्ट की हुई है वो तो अगर कोई भी देख ले तो मुझे तो उनसे इंसाफ नहीं मिल सकता। लेकिन वो FIA के पास गए और FIA ने जनाब काजीवुड क्योंकि डिलीट हो गई है, वो FIA ने क्लीन चिट दे दी, मैच फिक्स हुआ है। अभी भी अगर आप किसी को इंसाफ की फिक्र है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की या FIA को, तो बड़ा सीधा है कि ईमेल करें और फेसबुक को कहें कि 90 दिन का दे, उसमें पता चल जाएगा कि क्या दिलावर साहब मुझे इंसाफ दे सकते हैं या नहीं दे सकते। मैं इसके बाद दूसरी भी बात करना चाहता हूं क्योंकि ये तो अब देखते हैं, ये बड़ी तेज स्पीड से चल रहा है, अब देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन अभी तक तो कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही कि जो फेयर ट्रायल होती है वो मुझे मिलेगी, जो मेरा राइट है। दूसरी चीज, ये जो इन्होंने दो बिल्स असेंबली में लेके आए बड़ी तेजी से, पता नहीं इन्होंने कितने बिल पास कर दिए एक घंटे के अंदर, 15 नई लेजिस्लेशन ले आए, वो गवर्नमेंट जो जा रही है 15 लेजिस्लेशन, 8-10 लोग बैठे हुए असेंबली में, जमहूरियत का मजाक उड़ा गया, ना वो बिल पड़े गए हैं ना कुछ है, जल्दी जल्दी से और सारा बिल के पीछे बदियत है। और ये जो दो बिल्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किए, सीक्रेसी एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ एक्सट्रीम वायलेंस एक्ट, यानी ये जो दो बिल है ये तो एक कौम को गुलाम बना रहे हैं। ये तो स्टालिन की USSR के अंदर इस तरह के तो कानून बनते थे या नाजी जर्मनी में बनते थे, लेकिन ये किसी आजाद माशरे में तो कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि इंटेलिजेंस एजेंसी फैसला करेंगी, किसी घर में भी घुस जाएंगी और फैसला करेंगी कि ये घर के अंदर कोई दहशत गर्द है। और वारंट एक जो होता है, घर में घुसने से पहले आपको सर्च वारंट लेना पड़ता है, उसके बगैर आप घुसेंगे घरों में, किसी के घर में भी घुस जाएंगे और कुछ भी करेंगे और किसी को उनको रोकना नहीं चाहिए। तो ये तो एक मुल्क में बिल्कुल गुलामों को कंट्रोल करने के लिए हो रहा है। फिर सीक्रेसी है, एक और एक्ट लिया है कि आप किसी भी अगर कोई इंटेलिजेंस एजेंसी का कोई आदमी है उसका आप नाम भी नहीं ले सकते, अगर आपने नाम ले लिया तो वो आपको स्टेट से गदाई कर देंगे, सेडिशन है वो। तो ये तो इस तरफ जा रहा है कि जनरल मुशर्रफ के मार्शल लॉ में भी इस तरह की हालात नहीं थे, ये तो बिल्कुल एक वो माशा। और मैं मुझे लग रहा है कि तैयारी कर रहे हैं, इन्होंने तो इलेक्शन का कोई नियत ही नजर आ रही, तो अगर इलेक्शन नहीं करवाने तो उसके बाद तो फिर लोगों को कंट्रोल ही करना पड़ेगा, तो इन्हें हर वो से कंट्रोल करना पड़ेगा। और मुझे जो खौफ आ रहा है, मैं आखिर में सिर्फ ये बात करना चाहता हूँ कि इस वक्त जो पख्तून हुआ है उसकी हमें फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि उनकी कोई अपनी इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है इस वक्त, उन लोगों को ऊपर मुसलत कर दिया है जो जिनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, और वो जो वहां कर रहे हैं जिस तरह की करप्शन हो रही है और जिस तरह का वहां वो सूबा आहिस्ता आहिस्ता वहां दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है, लाकानूनीत बढ़ती जा रही है, तो वो तो लोगों को पहले नौजवान वहां सारा कबाइली इलाके का जो जिस तरह की तबाही मची थी, जो जिस तरह की कत्लो हालत हुई है कबाइली इलाके में, ड्रोन अटैक्स है, मिलिट्री ऑपरेशन, ऊपर से तालिबान एक तरफ फौज दूसरी तरफ फौज, तो वो जो लोगों से हुआ जिस तरह की तबाही मची वहां, तो वो तो उसी से अभी निकल रहे हैं। तो अगर ये उसी तरफ चला गया फिर से, तो मुझे तो समझ नहीं आ रही कि क्या जो इस वक्त फैसले कर रहे हैं इस मुल्क के, क्या उनको अंदाजा है कि नीचे ग्राउंड के ऊपर किस तरह का गुस्सा उठ रहा है, क्या अंदाजा है कि जब वो पुलिस लाइंस के अंदर जब 100 पुलिस वाले शहीद हुए थे, पता है नीचे से क्या आवाजें आ रही थी, और अब जो बजौड़ में हुआ इसके ऊपर सारे पख्तूनख्वा के अंदर किस तरह का गुस्सा गया, क्या किसी को अंदाजा है कि ये किस तरफ जा सकता है। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि बहुत जरूरी है, एक ही तरीका है कि ये जो नीचे ग्राउंड के ऊपर गुस्सा है ये तब निकलता है जब इलेक्शन करवाते हैं, इलेक्शन में लोगों का गुस्सा निकल जाता है, और फिर एक जब मुंतखब गवर्नमेंट आती है लोग उम्मीद लगा लेते हैं, और होता क्या है कि वो जो सारा टेम्परेचर है वो नीचे आ जाता है, स्टेबिलिटी आ जाती है, इस्तेकाम आ जाता है मुल्क। तो ये जो दूसरी तरफ अभी कोशिशें हो रही हैं, जो लोग इस मुल्क में जिनका जीना मरना है उनको खौफ आना शुरू हो गया, जो 12 लाख यहां से प्रोफेशनल्स छोड़ के गए हैं और जा रहे हैं आज,
हमें समझ आना चाहिए कि उनकी उम्मीद खत्म हो गई है। ये सबसे खतरनाक चीज है कि एक माशरे में लोगों की उम्मीद चली जाए। तो जिस तरफ हम जा रहे हैं यहां तो कोई रोशनी नजर आ रही, और अगर इन्हीं लोगों ने बैठे रहना या इसी तरह पाकिस्तान में इलेक्शंस के बगैर एक कंट्रोल्ड गवर्नमेंट चलानी है और लोगों को कंट्रोल करके चलाना है। मैं ये अपने तजर्बे से एक तारीख का एक तालिब इल्म हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं जो सियासत में एक जीरो से एक पार्टी आज सबसे बड़ी माशाल्लाह पाकिस्तान की पार्टी है। जो मेरा तजर्बा है आवाम का, मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये पाकिस्तान को उधर लेके जा रहे हैं। जो लोग समझ रहे हैं कि वो डंडे के जोर से इस मुल्क को कंट्रोल कर लेंगे, वो समझते नहीं है, आवाम की सोच नहीं समझते, ना वो तारीख जानते हैं, ना वो पॉलिटिक्स समझते हैं, और वो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरनाक अंधेरे की तरफ हम लेके जा रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो इमरान खान साहब ने एक मैसेज दे दिया है कि अगर उनको डिस्क्वालीफाई किया गया या उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है दोबारा, और जिसका खदशा उनको मौजूद है क्योंकि वो कहते हैं कि मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा, और पांच दरखास्तें जो हैं इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हैं, उनका फैसला होना बाकी है क्योंकि वो पांच दरखास्तें इसी मुकदमे से मुतालिक हैं। पहली समात है कि क्या ये दरखास्त काबिल समात है भी या नहीं, उसका भी फैसला नहीं हुआ। उसका फैसला इसलिए नहीं हो रहा कि अगर फैसला आएगा तो सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की जा सकेगी और सुप्रीम कोर्ट से कोई एडवर्स ऑर्डर आ सकता है, लिहाजा वो भी रोका हुआ है। दूसरा है कि ये दायरा समात इस कोर्ट का दायरा समात नहीं है, ये मामला है मियाँ वाली का। मियाँ वाली से रुकने कौमी असम्बली है, इमरान खान साहब और मियाँ वाली का मुकदमा इस्लामाबाद में कैसे चल रहा है इसका फैसला होना बाकी है। इस पर भी कोई हुक्म सादर नहीं किया जा रहा, कोई फैसला नहीं दिया जा रहा। वो इसलिए नहीं दिया जा रहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट से कोई एडवर्स ऑर्डर हो सकता है, ऑर्डर सस्पेंड हो सकता है, ट्रायल रुक सकता है, लिहाजा ये एक वहीं पे खिचड़ी पकाई जा रही है। तीसरा जो है वो है जज दिलावर, हुमायूं दिलावर साहब, उनको कह जी उनसे ट्रांसफर किया जाए क्योंकि वो बायस्ड, उनका तासुब, उनका बुग जाहिर हो चुका है फेसबुक की वजह से भी, अदरवाइज भी, और जिस तरीके से वो ट्रायल कर रहे हैं उनका, ये भी फैसला अभी तक नहीं आया। वो भी इसलिए नहीं आ रहा कि ये फैसला आएगा तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, केस इमरान खान साहब का स्ट्रांग है और ये ट्रांसफर होना बनता है केस का, इसलिए उस पर भी रुका हुआ है। फिर है जी हक के दिफा, जो हक के दिफा खत्म कर दिया इमरान खान साहब ने, जो गवाहों की लिस्ट थी उन गवाहों को ही एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है ट्रायल कोर्ट, तो ये एक सारे का सारा पूरे का पूरा। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कह चुकी है कि सेक्शन 526 है कि अगर मामला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, सुपीरियर कोर्ट में हो तो जो ट्रायल कोर्ट है वो अपना काम रोक देती है, लेकिन ट्रायल कोर्ट अपना काम नहीं रोक रही। इसलिए इमरान खान साहब का वाज़ेह पैगाम, और अगर ऐसा कुछ किया जाता है तो उन्होंने अपने पार्टी लोगों को, अपनी पार्टी क़यादत को आगाह कर दिया है, इन्फॉर्म कर दिया है कि जनाब तैयार रहें और हर तरह की मुसीबत से नबर्द आजमा होने के लिए पहले से तैयार रहें, क्योंकि ये सारे का सारा खेल खेला जा रहा है इमरान खान साहब को सियासत से, सियासत के मैदान से आउट करने का। और इमरान खान साहब और उनकी पार्टी मज़ाहमत कर रही है, और इसलिए कर रही है कि मुकदमात बहुत कमजोर हैं, उसकी वजह यह है कि पैरेलल फिर और तैयारियां की जा रही हैं, पैरेलल और ये तैयारी की जा रही है कि अलकादर ट्रस्ट में भी नैब ने नोटिस इशू कर दिया है और उसमें अब जमान पार की रसीदें, बनीगाला की रसीदें और उनकी जो होती है सालाना मुरम्मत होती है उसकी सारी रसीदें मांग ली हैं कि जनाब ये सारा बताएं कि ये दीवार कहाँ से बनी और कैसे बनी और मुरम्मत कैसे हुई और अगर पेंट वेंट हुआ तो वो कैसे हुआ, ये सारे अखराजात की रसीदें लेके आए। तो मामला वही है सिंपल कि इसको इस तरीके से लेके जाना चाह रहे हैं, वो जो मरियम साहबा की ख्वाहिश और नवाज शरीफ साहब का हुक्म है कि जो सवालात हमसे पूछे गए वही सवालात इनसे पूछे जाएँ, और जैसे हमें गिरफ्तार किया गया वैसे इमरान खान और बुशरा बीबी को गिरफ्तार किया जाए, और जैसे हमें जेल में रखा इनको भी रखा जाए, लेवल प्लेइंग फील्ड की तलाश में है। लेकिन नवाज शरीफ साहब मुल्क में आके लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मांग रहे, बल्कि वो यूरोप के दौरे पे, कभी यूरोप होते हैं, कभी यूएई होते हैं, कभी सऊदी अरब होते हैं, कहीं कभी लंदन होते हैं, तो इन ममालिक में सैर करते हुए वो लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं, वापस आके लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मांगते। हालांकि लेवल प्लेइंग फील्ड तो ये है कि इमरान खान साहब पे 200 मुकदमा दर्ज हो चुके हैं, तो नवाज शरीफ साहब और मरियम साहबा पे भी 100-100 मुकदमा चले, टोटल 200 होने चाहिए। फिर जिस तरीके से जमान पार्क पे हमला हुआ, इस तरह फिर इनकी रिहायश गाहों पे भी पुलिस को हमला करना चाहिए, ये सारे मामलात हैं। तो बहरहाल आज का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जागते रहिए और तैयार रहिए, कोई भी बड़ी खबर आ सकती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।